शहीद यहाँ संतलाल हुए हैं उनके लिए आर्थिक सहायता और जो नौकरी का मुद्दा है और गांवों को जो शहीद का दर्जा देने का और जो प्लाट 57 प्लाटों का मामला है इसको लेके एक सर्वसम्मति से पंचायत की ओर से कमेटी बनी है। कमेटी अभी मीटिंग करेगी। सारे अल्टीमेटम जो है वो फेल हो चुके हैं। सरकार और प्रशासन गंभीर नहीं है। इस मीटिंग के अंदर एक कड़ा निर्णय इस आंदोलन को लेकर के शहीदों के गांव रोणा से इस खट्टर सरकार के खिलाफ लिया जाएगा। जी, अब कितने सदस्यों की कमेटी बनाई गई है फिलहाल? देखिए, बहुत बड़ी संख्या में यहाँ सब आ रहे हैं। करीब करीब जो मुझे लगता है कि लगभग 30 सदस्यों की जो बहुत अनुभवी हैं, आंदोलनकारी हैं, उनकी कमेटी का गठन किया है और गांव की कमेटी भी साथ रहेगी। अगला फैसला बहुत जल्द जो है आपके बीच में लेकर के आएंगे। क्या लगता है कि 7 दिन से धरना चला हुआ है, लाशियां पड़ी है, सख्त निर्णय लेना पड़ेगा या ऐसे चल जाएगा? देखिए, हम शांति से काम करने वाले लोग हैं और ये सरकार बात को हमारी सुन नहीं रही है। हमारे पास लोकतांत्रिक तरीके से कड़ा निर्णय लेने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। निर्णय लेना पड़ेगा। शहीद को भी न्याय मिले, गांव को भी न्याय मिले। आज़ादी के 75 वर्षों बाद भी पूरे हिंदुस्तान में एक गांव ऐसा है जो आज भी गुलाम है और इस गांव के शहीद भी गुलाम हैं, जिनको सबसे ज़्यादा सम्मान मिलना चाहिए था उनको सबसे ज़्यादा अपमानित होना पड़ रहा है। तो ये अपमान केवल रोणात गाँव का नहीं है, पूरे हरियाणा का अपमान है और इस अपमान को हम किसी भी कीमत पर सहन करने वाले नहीं है। एक तरफ तो सरकार घर घर झंडा फहरा रही थी कि यहाँ शहीदी का गाँव, लेकिन यहाँ कोई नहीं आ रहा। देखिए, ये जो आरएसएस है और आरएसएस की जो बीजेपी है, इनको झूठ बोलने की बहुत बढ़िया ट्रेनिंग दी जाती है। हम पूरे हरियाणा में और पूरे देश में इनकी झूठ पकड़ करके और जनता को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। ये लोग जो है ये शहीदों से इसलिए चिढ़ते हैं क्योंकि इन्होंने तो कोई शहादत दी नहीं आज़ादी की लड़ाई में। ये तो अंग्रेजों की दलाली किया करते थे और क्रांतिकारियों की मुखबरी बुझाया करते थे अंग्रेजों तक। तो इनको क्रांतिकारियों से और शहीदों से बड़ी नफरत है और ये झूठ बोल के सत्ता में आए हैं। झूठ बोलने में इनने PhD कर रखी है और रोणात गाँव से जो हरियाणा में खट्टर सरकार का हाल है और जो मुख्यमंत्री यहाँ झूठ बोल करके गया है, या तो मुख्यमंत्री मांग मानेगा नहीं तो आंदोलन चलेगा जो खट्टर सरकार के गले की फांस बनेगा। कमेटी जो कमेटी गई है, इस कमेटी के आप भी सदस्य, आप किस तरह का कहेंगे, किस तरह का फैसला होगा? देखिए, ये हमारे जिले का मामला है। हम इस भिवानी जिले के एक जिम्मेदार सिपाही हैं और जो भी परिवार हमारी जिम्मेदारी लगाएगा हम उसके ऊपर खड़े उतरेंगे। जी, धन्यवाद।